हेलो दोस्तों, वेलकम। और इस वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10 मैथ्स। क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें एचसीएफ दिया है, दो संख्याएं दी हैं, लेकिन हमें एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ किन संख्याओं का? 306 और 657, ये दिया है 9। और एलसीएम इन्हीं संख्याओं का हमें ज्ञात करना है, लेकिन ये एक फॉर्मूले से ज्ञात करना है। ऐसा नहीं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड उससे निकालो, नहीं। एक फॉर्मूला है, वो क्या है मैं बताता हूं। देखो, फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब एचसीएफ तो दिया है 9, एलसीएम हमें निकालना है, और जो दो संख्या है वो यही है, एक 306 है और एक 657 है। तो यानी जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यहां तक सब सही है। बस अब इसे सॉल्व करना है, तो यहां पे आप इसको काट के डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, या मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो यहां पे चलो मैं इसे काटता हूं, ठीक है। ये काटेंगे तो होगा 9 3 27, 9 4 36 से 34 आया, और अब करना है 34 का गुणा 657 से, और आंसर हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनका हम, 34 × 657, इसको बाद में लिखते हैं, 4 7 28 का 8, 2 4 5 20, तो 22, 2 4 6 24, तो 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 1 3 6 18, 1 19, तो यह आ गया है 8, 3 7 6 13 का 3, 9 2 11 1 12, 1 1 2, ये आंसर आ गया है, ठीक है, 2 2 3 3 8। तो यानी इन दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो ये है। ऑलराइट, तो यहां से ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर दो संख्याएं दी हैं, उनमें एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो ये फॉर्मूला यहां पे काम करता है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं कि कभी आपको ये भी हो सकता है कि एचसीएफ दिया हो, कि एचसीएफ 40 है और एलसीएम जो है वो है 2000, और जो पहली संख्या है वो 80 है, तो हमें दूसरी संख्या, या कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करके वो दूसरी संख्या निकालते हैं। तो कभी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सी द नेक्स्ट वीडियो।